तो आगे बढ़ेंगे इसी बीच, एक और बड़ी खबर आ गई है उमेश पाल मर्डर केस में। प्रयागराज से बड़ी खबर है, आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, उमेश पाल केस में सूत्रों के हवाले से इस वक्त का ये बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आ गया है। अतीक ने जेल से कॉल पर बहनोई से की थी बात, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट है। अतीक की जेल में बातचीत की एसटीएफ ने पुष्टि कर दी है, सूत्रों के हवाले से हम आपको ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं। 3-4 मार्च को अतीक के बहनोई ने ट्रांसफर किए थे पैसे। तो फिलहाल बता दें कि अखलाक ने गुजरात के एक पेटीएम अकाउंट में ये पैसे भेजे थे। फिलहाल एसटीएफ ने भी इस बात की पुष्टि की है, सूत्रों के हवाले से जानकारी। उमेश पाल केस में सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट है। तो आपको बता दें कि अतीक अहमद ने अपने बहनोई से बात की है और पैसे ट्रांसफर करवाए हैं। गुजरात का एक पेटीएम नंबर है जिस पर पैसा ट्रांसफर हुआ है। खबर पर अपडेट के साथ संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से जानकारी यह मिली है कि एसटीएफ ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अतीक अहमद ने अपने बहनोई से बात की थी और पैसे भी ट्रांसफर करवाए हैं, किसको पैसे ट्रांसफर हुए हैं, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम? साफ तौर पर जिस तरीके से डॉक्टर अखलाक और अतीक अहमद का कनेक्शन सामने आ रहा है, बात की जाए तो डॉक्टर अखलाक अतीक अहमद का बहनोई है। वो जितने भी सूटर थे उसकी मदद के लिए प्रयागराज आ जाता है, यहाँ से वो गाड़ी से जाता है सूटरों को लेकर। हालांकि उस कौशाम्बी के बसेड़ी गांव इलाके में वो अपनी कार छोड़ देता है, उसके बाद वहां से दूसरी कार से बच जाता है। हालांकि जितने भी मददगार थे उनकी गिरफ्तारी होती है, बात की जाए तो डॉक्टर अखलाक की मेरठ से गिरफ्तारी होती है। उससे पूछताछ में यूपीएससी या प्रयागराज पुलिस ने कई अहम खुलासे सामने आए हैं। बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से डॉक्टर अखलाक ने अतीक अहमद से गुजरात के साबरमती जेल में फोन से बातचीत की थी, लगभग 75 सेकंड उससे फोन से बातचीत हुई थी। उसके बाद उसने गुजरात के ही एक अकाउंट के पेटीएम अकाउंट नंबर पर अतीकुर रहमान, यानी कि डॉक्टर अखलाक का एक खास दुर्गा था जो आदमी था, उससे अतीकुर रहमान से गुजरात के एक पेटीएम नंबर पर पैसे ट्रांसफर कराए थे। बात की जाए तो जिस नंबर पर पैसे ट्रांसफर हुए थे वो अतीक अहमद का केयर टेकर बताया जा रहा है। तो हालांकि अब केयर टेकर और जो डॉक्टर अखलाक और अतीकुर रहमान, इन दोनों तीनों लोगों की कनेक्शन यूपीएससी या प्रयागराज पुलिस संभालने में जुट गई है कि इन लोगों का क्या कनेक्शन था। और लगातार जितने भी इनपुट सामने आ रहे हैं, लगातार छापेमारी की जा रही है, उनको इकट्ठा की जा रही है, विवेचक विवेचना के दौरान कई गतिविधियों को सम्मिलित कर रहे हैं। जी विकास, बने रही हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस बात की पुष्टि एसटीएफ ने कर दी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी। आगे बढ़ते इसी बीच एक और अपडेट आ गया है, उमेश पाल मर्डर केस में प्रयागराज से बड़ी खबर है। पुलिस की जांच में कई जानकारियां सामने आ चुकी है। हत्या में असद के शामिल होने से नाराज हुई थी शाइस्ता, वीडियो में असद को देखकर नाराज हो गई थी शाइस्ता, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। माफिया अतीक ने असद को बताया था शेर, तो लेकिन आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन वीडियो में जैसे ही उसने असद को देखा वो नाराज हो गई थी। खबर पर अपडेट के साथ संवाददाता विकास लगातार बने हुए हैं। विकास, जिस तरीके से ये बड़ी खबर है जहां पर सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, शाइस्ता नाराज हुई थी असद को देखकर वीडियो में, लेकिन अतीक ने अपने बेटे को शेर बताया था। देखिए, साफ तौर पर अतीक अपने अवैध साम्राज्य का कुनबा अपने बेटे को देना चाहता था, क्योंकि लगातार रंगदारी से जुड़ा मामला, जब अतीक अहमद का बेटा नैनी सेंट्रल जेल में बंद है अली, और इसका बेटा जो देवरिया जेल प्रकरण में बंद है लखनऊ में, तो साफ तौर पर जितना भी अपराध का अवैध साम्राज्य था वो अपने बेटों को ट्रांसफर कर रहा था। लेकिन साफ तौर पर इन सब पर जो अतीक अहमद की पत्नी साजिशा परवीन थी वो काफी नाराज हुआ करती थी। बात की जाए तो अतीक का बेटा जब उमेश पाल हत्याकांड में सामने आया था, यानी कि वो फायरिंग करते हुए नजर आ रहा था, तो इससे काफी नाराज हुई साजिशा परवीन। और जब उन्होंने अतीक अहमद से बात करके नाराजगी जाहिर की, और हालांकि जो बातचीत का जो सिलसिला है वो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि जितना भी अवैध साम्राज्य था, अवैध जो कुनबा था, इससे अतीक अहमद काफी खुश हुआ करता था और साजिशा परवीन लगातार नाराज हुआ करती थी, क्योंकि साजिशा परवीन का दावा था कि वो अपने बेटों को, जो इनका छोटा बेटा था, इसको इस पूरे हत्याकांड में शामिल नहीं होने की नसीहत दी थी, लेकिन वो अंडरग्राउंड होके पूरे खेल को संचालित करने का उसमें शामिल हुआ था। जब प्रयागराज पुलिस लगातार छापेमारी कर रही, उस पर 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया है, उसके बाद
साजिदा परवीन भी लगातार फरार है। तो साफ तौर पर जाहिर है कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी जो साजिदा परवीन थी वो नाराज थी और अतीक अहमद शेर कह के बुलाता था और वो बताता था कि काफी वो सुकून में है हत्याकांड के बाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।